हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे वो सीखेंगे। जैसे कि ये अभी tally.erp9 अभी ओपन है, यहाँ पे अपने क्रिएट कंपनी में जाएंगे और उसमें कोई भी कंपनी का नाम देंगे। पहले तो ये हमें ये फाइल कहाँ पे रखनी है, जैसे डायरेक्टरी है तो यहाँ पे अपने जाएंगे एफ ड्राइव में, बैकस्लैश में जाएंगे, डेटा लिखेंगे, यानी एफ ड्राइव में डेटा के अंदर हमारी कंपनी स्टोर हो जाएगी। कंपनी का नाम रखेंगे यहाँ पे, जैसे अपने प्रैक्टिस करके कंपनी बनाई अपने, एंटर किया, एड्रेस डाला। एड्रेस में अपने जैसे अपने यहाँ पे निकोलिक देखते हैं, फिर स्टेट में रखते हैं अपने गुजरात। पिन कोड नंबर अगर लिखना है तो लिखेंगे, नहीं तो चलेगा। फिर अपने रखेंगे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, सो इन सो, यानी यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें फिलअप करनी है वो कर सकते हैं अपने। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर हम रखेंगे 1/4/2020, 1/4/2020, यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है। उसके बाद अपने बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, वहाँ पे भी सेम डेट रहेगी। यहाँ पे अपने सिक्योरिटी कंट्रोल में भी नहीं जा रहे, एंटर एंटर करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल हमें इंडिया में काम कर रहा है अभी, तो यहाँ पे र, यानी ये हमारा करेंसी सिंबल है, वही रखेंगे। INR का मीनिंग रहता है इंडियन रुपीस। फिर यहाँ पे एंटर एंटर करके अपने आगे जाते हैं। लास्ट में हमें पूछता है कि हमें ये एक्सेप्ट करना है यस या नो, हमने इसको यस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी कंप्लीट तैयार हो गई। यहाँ पे लिखा है 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 कंपनी का नेम आ गया, प्रैक्टिस। ठीक है, और यहाँ पे अपने देख रहे हैं गेट वेब टेली, मास्टर्स, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटी रिपोर्ट, यानी ये पूरा गेट वेब टेली हो गया। यहाँ से राइट साइड कॉलम में हमें यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग बटन दिख रहे हैं। तो ये हम सीखे कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। ये कंपनी में से अगर हमें बाहर निकलना है तो अपने जाएंगे क्विट, क्विट में जाएंगे, यहाँ पे पूछेगा आपको ये यहाँ से बाहर निकलना है यस और नो। अपने यस करेंगे तो बाहर हो जाएंगे, नो करेंगे कीबोर्ड में से, नो यानी एन दबाएंगे, यस यानी वाई प्रेस करेंगे, तो अपने इसके अंदर ही रहते हैं। अगर ये कंपनी को हमें बंद करना है, जैसे प्रैक्टिस नाम की कंपनी अपनी ओपन है उसको बंद करना है, तो अल्टर एफ वन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख रहा है कंपनी इन्फो, नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हमें कंपनी को ओपन करना है, जैसे हमने क्रिएट किया, सेम प्रोसेस कंपनी को ओपन करना है, यानी पुरानी कंपनी अभी जो हमने बनाई वो कंपनी फिर से ओपन करनी है, तो अपने जाएंगे सिलेक्ट कंपनी में। सिलेक्ट कंपनी में गए तो अपने एक कंपनी बनाई प्रैक्टिस नाम से, तो प्रैक्टिस लेंगे, ये हमारी कंपनी ओपन हो गई। फिर अपने यहाँ से बाहर निकलना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्विट में जाके बाहर जा सकते हैं। देखिए, ये मेरा जो एरो की है ना, तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी मैं एरो की रखता हूँ ना, वहाँ पे एक कैरेक्टर रेड अक्षर का दिख रहा है। जैसे अकाउंट इन्फो में तो ए, इन्वेंट्री में आई, तो सब जगह पे एक एक रेड अक्षर दिख रहा है, यानी हम कीबोर्ड से डायरेक्टली वो रेड कैरेक्टर दबाएंगे तो भी वो बटन काम करेगा। जैसे क्विट के लिए अपने क्यू दबाते हैं, पूछ रहा है कि हमें क्विट होना है यस, तो वाई मैंने प्रेस किया, ये हम यहाँ से बाहर आ गए।